अरे वाह, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ का नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है, फिर क्यों जन्म से पहले वो मारी जाती है। आई कॉर्डली वेलकम टू ऑल ऑफ यू गैदर्ड हियर, माय नेम अंशिका सिंह, थैंक यू मिस्टर कैफ सर टू गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। टुडे आई वुड लाइक टू टॉकिंग अबाउट फीमेल फर्टिसाइड। You are everybody know nowadays female feticide is a huge problem in India. In our society made two elements, first is male and second is male, but unfortunately one is privileged and second is unprivileged. In mostly our society people desire male child and mostly in rural area, and they kill the girl while it is still in their mother womb. According to Union Government data, in 2000 to 2019, 9 million female was victim of their feticide. I was shocked then when I see the news. And nowadays, people are thinking girls like a burden of their family, and they doing this type of crime for dowry system. I want to say something. Those who think like this, ओस की एक बूंद की तरह होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, इस पर खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को रखती हैं बेटियां, कोई नहीं दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां। आई रिक्वेस्ट ऑफ टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सेव द गर्ल, बिकॉज गर्ल इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वंडरफुल, वाओ यार, जबरदस्त। कौन कहता है कफन सफेद रंग का होता है, मैंने तो कई लड़कियों को लाल रंग में दफन होते देखा है। And she was brought at home, she was not able to see everyone, like she was not in a condition to see everyone. दहेज क्या है भाई, क्या है दहेज? उस बाप से पूछो दहेज क्या है कि जिसकी जमीन भी चली गई और उसकी बेटी भी चली गई। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। वाओ, यहाँ सभी लगे पड़े हैं अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने में, तुम मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। वेरी नाइस।